आखिर क्यों कांग्रेस पहुंची चुनाव आयोग के पास? जोशीमठ टॉली रोपवे का संचालन क्यों हुआ बंद? दून स्कूल के छात्र ने कौन सी उपलब्धि की हासिल? नैनीताल में क्यों लगी धारा 144? और किस गांव के लोगों ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान? नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद वैस और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। तो चलिए आपको सुनाते हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें विस्तार के साथ। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष राज्य सरकार द्वारा लगातार आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष ऑनलाइन और मोबाइल ऐप ई विजिल के साथ फैक्स के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज कराई है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में राज्य सरकार द्वारा लगातार आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, राज्य बाल आयोग, राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, आबकारी विभाग में अधिकारियों के स्थानांतरण और शराब के ठेके, शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती नियुक्ति और स्थानांतरण, सहकारिता विभाग में नियुक्ति और स्थानांतरण आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए किए गए हैं। जोशीमठ टॉली रोपवे 27 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जोशीमठ टॉली रोपवे का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहीं लगातार हो रही बर्फबारी से जोशीमठ टॉली मोटर मार्ग भी बंद पड़ा हुआ है। इस मार्ग पर सिर्फ जिप्सी का ही संचालन हो पा रहा है, जिसे वीकेंड पर ओली घूमने आए 100 से अधिक पर्यटन पूरे दिन परेशान रहे। साथ ही ओली में चेयर लिफ्ट का संचालन भी बंद कर दिया गया है। दून स्कूल के कक्षा 9 में पढ़ने वाले छात्र आराध्य जैन का चयन रोमानिया में टिमियोसारा में होने वाले 35वें अंतर्राष्ट्रीय युवा भौतिक विज्ञान टूर्नामेंट IYPT 2022 की 5 सदस्यीय भारतीय टीम में हुआ है। ये टीम देश का प्रतिनिधित्व करेगी। भौतिकी विश्व कप के रूप में प्रसिद्ध IYPT माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की टीमों के बीच एक वैज्ञानिक प्रतियोगिता है। टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले शीर्ष 5 छात्रों का चयन इंडियन यंग फिजिसिस्ट टूर्नामेंट में 3 कठिन राउंड के बाद किया जाता है। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तिथियों की घोषणा करने के बाद प्रदेश में लागू हुई आदर्श आचार संहिता का मद्देनजर रखते हुए जिलाधिकारी धीरा सिंह गरियाल ने जिले में धारा 144 लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि चुनाव की प्रक्रिया के दौरान चुनाव प्रचार, जनसभा, जुलूस में शस्त्र दिखाना, शक्ति प्रदर्शन करना, विधि व्यवस्था भंग होने, मतदाताओं को डराने, धमकाने, जाति, धार्मिक या सांप्रदायिक हिंसा की भावना फैलाने, अवांछित और असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने की प्रबल संभावना को देखते हुए और इस दौरान समय की अनुपलब्धता के कारण संबंधित पक्षों को सुनवाई के लिए अवसर दिए जाना संभव न होने को देखते हुए तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू की जा रही है। सड़क के मुद्दे को लेकर इस बार अल्मोड़ा के भैंसियाछाना ब्लॉक के बबूरिया नायल गांव के लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का ऐलान कर दिया है। ग्रामीणों ने इस ऐलान के बाद जिला प्रशासन की टीम ग्रामीणों को मनाने और समझाने के लिए पहुंची। प्रशासन की टीम से पहली वार्ता में फिलहाल ग्रामीणों ने सकारात्मक रूप दिखाया है। अगर इसके बाद भी ग्रामीण नहीं मानते हैं तो प्रशासन की टीम फिर से गांव वालों को मनाने जाएगी। तो उत्तराखंड की इन मुख्य खबरों में अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेजेएन न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।